हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 24 जून 2021 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसी वीडियो को PDF में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ से आप हमारे कोई भी वीडियो की PDF फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला करंट अफेयर आज का, हाल ही में NTPC की स्थापना के समय ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान द्वारा NTPC को लगातार 15वें वर्ष काम करने के लिए महान स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। रिसेंटली NTPC हैज बीन रिकॉग्नाइज एज द ग्रेट प्लेस टू वर्क फॉर द 15 स्ट्रेट ईयर बाई द ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट। वेन वॉज NTPC फाउंडेड? 1965, 1950, 1975, 2005। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है हाल ही में NTPC की स्थापना के समय ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान द्वारा NTPC को लगातार 15वें वर्ष काम करने के लिए महान स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975। 1975 से NTPC को काम करने के लिए महान स्थान के रूप में मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर टू, निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तत्काल कार्डलेस EMI पेश करने वाला उद्योग में पहला बैंक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वन इन द इंडस्ट्री टू इंट्रोड्यूस एन इंस्टेंट कार्डलेस EMI फॉर ऑनलाइन शॉपिंग? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, IDBI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक। निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तत्काल कार्डलेस EMI पेश करने वाला पहला उद्योग में बैंक है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर थ्री, दोस्तों वीडियो के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा। भारत और फिजी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड फिजी साइन एंड MOU ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, समझौते से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पेस, एंटी टेररिज्म, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट? ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर। भारत और फिजी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आइए आपको इसका सही आंसर बताते हैं, ऑप्शन डी, एग्रीकल्चर एंड एलिट सेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, निम्नलिखित में से किस NBFC ने पे मैट्रिक्स में 54% हिस्सेदारी हासिल की? विच ऑफ द फॉलोइंग NBFC एक्वायर्ड अ 54% स्टेक इन पे मैट्रिक्स? ऑप्शन ए, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। ऑप्शन बी, HDB फाइनेंस सर्विस लिमिटेड। ऑप्शन सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। यहां बात हो रही है निम्नलिखित में से किस NBFC ने पे मैट्रिक्स में 54% हिस्सेदारी हासिल की है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे वन प्लस वियरेबल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसका पूछा जा रहा है? वन प्लस वियरेबल्स, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वन प्लस वियरेबल? विराट कोहली, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, पृथ्वी शॉ। यहां पर बात हो रही है वन प्लस वियरेबल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2020-21 में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को अधिशेष हस्तांतरण के मामले में किस देश का केंद्रीय बैंक शीर्ष पर है? द सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज टॉप इन टर्म ऑफ सरप्लस ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एज अ परसेंटेज टू जीडीपी इन 2020-21? ग्रीस, तुर्की, रशिया, चाइना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISDN? यहां पर ISDN का आपको फुल फॉर्म बताना है, इंटीग्रेटेड सर्विसेस डबल नेटवर्क, ऑप्शन बी इंटर सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क एंड ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ISDN का फुल फॉर्म। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क के संदर्भ में SAP SAP का क्या अर्थ है? इन टर्म ऑफ नेटवर्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SAP? सर्विस एक्सेस परमिशन, स्मार्ट एक्सेस पॉइंट, सर्विस एक्सेस पॉइंट, सर्विस एट पॉइंट। यहां पर आपको SAP का फुल फॉर्म बताना है। चलिए सभी लोग इसका कमेंट करके बताइए क्या होगा, नेटवर्क के संदर्भ में SAP का क्या अर्थ है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्विस एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हरित हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट अ 2-डे वर्चुअल समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव? चाइना, अमेरिका, इंडिया, जापान। तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडिया। ठीक है, भारत हरित हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यालय देश के श्रेणी में यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021, हु हैज बीन अवार्डेड द यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 इन द नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्री कैटेगरी? रुचिर शर्मा, सुमिता मित्रा, राज जैनी, नन ऑफ द अबव। तो आइए इसका आपको सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन बी सुमिता मित्रा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में होने वाली G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? हु विल रिप्रेजेंट इंडिया इन द रिसेंटली हेल्ड G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग? संजय धोत्रे, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल, जी किशन रेड्डी। हाल ही में होने वाली G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे संजय धोत्रे, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वैश्विक शांति सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? द ग्लोबल पीस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? WEF, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड ऑप्शन डी ग्रीन पीस। वैश्विक शांति सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था
24 जून का करंट अफेयर। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपको कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इस प्रकार की वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।